रविंद्र जडेजा पे बॉल टेम्परिंग के आरोप लगे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने क्या कमेंट किए और इस पे मैच रेफरी का क्या रिएक्शन था, बताएंगे आपको पूरी बात जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताना कि इस बार बॉर्डर गावस्कर का ट्रॉफी कौन जीतेगा। दरअसल फॉक्स क्रिकेट के एक आर्टिकल की वजह से ये मामला काफी तेजी से वायरल हो गया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों ने ये कमेंट करना शुरू कर दिया कि जो एक्शन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर पर बॉल टेम्परिंग के बाद लिए गए थे वही एक्शन टीम इंडिया और रविंद्र जडेजा पे भी लगाने चाहिए। पर किसी ने ये गौर नहीं किया कि जो क्रीम मोहम्मद सिराज ने रविंद्र जडेजा को लाकर दी उस क्रीम का यूज जडेजा ने अपनी उंगलियों पे किया। उन्होंने बॉल के साथ कोई भी हरकत नहीं की और मैच के बाद जब मैच रेफरी ने टीम के कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के साथ वीडियो को देख करके मैच की जांच की तो टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने ये साफ कर दिया कि जो क्रीम मोहम्मद सिराज ने रविंद्र जडेजा को लाकर दी थी वो एक दर्द निवारक क्रीम थी। दरअसल जडेजा को उंगलियों में दर्द हो रहा था जिसके बाद उन्होंने ये क्रीम को अपनी उंगलियों पे लगाया। हम जो क्रीम ठंड के अंदर यूज करते हैं उनकी वजह से बॉल में शाइनिंग आती है और बॉल को स्पिन और ड्रिफ्ट करने में आसानी होती है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी इस पे कोई कंप्लेंट नहीं की क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे बॉल टेम्परिंग नहीं हुई है। ये मामला जब सामने आया तो उसके बाद टीम इंडिया के फैंस ने फॉक्स क्रिकेट के इस आर्टिकल पे अपनी नाराजगी जाहिर की क्योंकि ये आर्टिकल सिर्फ जडेजा और टीम इंडिया की छवि को खराब कर रहा था।